आंसर आपका कैल्शियम कितना आ गया था 18। तो देखो अब हम क्या करेंगे, 5 upon 1 कितना है 6, इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 18 आ जाए। 6 के टेबल में 18 कितने टाइम आ जाए, 3 टाइम, 6 से कितना हो जाएगा 18, और जब डिनोमिनेटर को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 3 से करेंगे, 5 3 15। ठीक है, अब देखो ये नेक्स्ट आप क्या है आपको है 7 by 9। 7 by 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर, ये देखो 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 18 आ जाए। तो 9 के टेबल में 18 कितने टाइम में आ जाए, 2 टाइम में, 9 का कितना होता है 18। डिनोमिनेटर को किससे किया तो न्यूमरेटर को भी किससे करेंगे बेटा, 2 से, 7 2 14। ठीक है, अब है 2 by 3, 2 by 3 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू 18। 3 के टेबल में 18 कितने टाइम में आ जाए, 6 टाइम में, 3 6 18, 3 6 से कितना होता है 18, अब ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 से कितना होता है 12। तो आपके जो फ्रैक्शन आ गए उसमें आया 5 by 18। अब हम इसको लिखेंगे, सबसे सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, इसमें से सबसे बड़ा है 850, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले सब डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा पहले लेते हैं, फिर उससे छोटा लास्ट में सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, 15 by 18। नेक्स्ट 14 by 18 एंड नेक्स्ट 12 by 18। ठीक है, इसको हम एक तरीके से लिख सकते हैं, 15 by 18 कौन सा फ्रैक्शन था, 5 by 6। उसके बाद 14 by 18 कौन सा था, 7 by 9 एंड लास्ट था 2 by 2। ये बेटा ये आ गया आपका डिनोमिनेटर।